तीज के प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं और सब में हमने खूब मस्ती की है, हम सब मस्ती कर रहे हैं और अपने अलग से ग्रुप है उसमें, मतलब औरों के प्रोग्राम में मस्ती कराया और अपने प्रोग्राम को अलग तरह से रखा। और हमने अब सोचा कि अब हिसार की जनता को एक नया देते हैं कॉन्सेप्ट और इसमें हमने रक्षाबंधन लिया। फिर भी उसके अंदर डांस, मस्ती, इंजॉय, गेम सब कुछ, वहाँ पे जो हमारे जज होंगे और होंगे जो भी चाहेंगे उनसे जो भी एट ए टाइम करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, हमारा प्रोग्राम देखें क्योंकि ये फर्स्ट इवेंट हिसार के अंदर हो रहा है रक्षाबंधन का, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आए और आके देखें, खूब मस्ती धमाल खूब हो रहा है। तो ये प्रोग्राम पहले जो है और इनमें क्या फर्क लगेगा? बहुत फर्क है सर, पहले तो अपने सिर्फ तीज के, करवा चौथ के यही प्रोग्राम करे, रक्षाबंधन का तो अपना पहली बार हो रहा है हिसार में। क्या धमाल मचेगा वहाँ पे? धमाल तो बस इतना मचेगा कि शायद अभी तक किसी प्रोग्राम में भी नहीं मचा हुआ, फुल ऑन धमाल होने वाला है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं, और महिलाएं आजकल घर से निकलकर बाहर आ गई हैं क्योंकि कहीं किसी को ठुमके लगाने होते हैं, कहीं किस तरह की एक्टिविटी करनी है। इसी तरह से आज हमारे साथ हैं सर्वोदय वेलफेयर सोसाइटी की कुछ महिलाएं, इनसे जानेंगे कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं, किस तरह का कार्यक्रम है, कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है, इनसे पूरी तरह से जानकारी लेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? मैं कमलेश वर्मा जी। प्रधान है आप? हाँ जी हाँ, सूर्योदय वेलफेयर सोसाइटी की प्रधान, मैंने इसको फाउंड किया है। तो मैंने आपको सही पकड़ लिया? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या आप लोग करने वाले हैं, इतने इकट्ठे हो रहे हो, क्या कारण है? ये हमारी एक सूर्योदय वेलफेयर सोसाइटी संस्था है जो रजिस्टर्ड है, जिसमें हम गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, जितने भी जो भी नीडेड लोग होते हैं उनकी हम हेल्प करते हैं। जो संस्था है आपकी, कब से आपने स्थापित किया है और कब से आप कार्य कर रहे हैं? सर 2020 साल हो गए मुझे काम करते हुए कंटिन्यू, और 2017 से मैंने इसको संस्था को बनाया था और 2020 में इसको रजिस्टर करवाया मैंने। कितने के मेंबर हैं आप लोग? जैसे महिलाओं की अगर बात करें तो आप लोग आयोजन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, कितने मेंबर आप लोग जुड़े हुए हैं? सर 500 प्लस। 500 महिलाएं आपके साथ? हाँ जी। एक्टिविटी क्या करती हैं? एक्टिविटी वही है, हमने ना सूर्योदय वेलफेयर सोसाइटी तो हमारी संस्था एक, और उसमें हमने एक लेडीज़ क्लब बनाया हुआ है, सूर्योदय वेलफेयर लेडीज़ क्लब। अच्छा। तो उस लेडीज़ क्लब में हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए महिलाओं के लिए कभी तीज का ले आते हैं, कभी होली का होता है, कभी न्यू ईयर का कर लेते हैं, और अब इस बार हमने सोचा कि हम राखी का करते हैं। तो राखी का क्यों सोचा? जैसे कि बहुत सारी महिलाएं कि दिनों तीज के महोत्सव खूब चल रहे थे, कल तक कार्यक्रम थे लगातार, पिछले महीने में डेली लगभग कार्यक्रम थे, तो आप लोगों ने उनसे हट के कुछ क्या अलग क्यों सोचा? सर इसलिए सोचा कि तीज के प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं और सब में हमने खूब मस्ती की है, हम सब मस्ती कर रहे हैं और अपने अलग से ग्रुप है उसमें, मतलब औरों के प्रोग्राम में मस्ती कराया और अपने प्रोग्राम को अलग तरह से रखा। और हमने अब सोचा कि अब हिसार की जनता को एक नया देते हैं कॉन्सेप्ट और इसमें हमने रक्षाबंधन लिया। रक्षाबंधन में क्या होगा? उसमें रक्षाबंधन का आपने नाम दे दिया, प्रोग्राम रख रहे हैं, उसमें होगा क्या? उसमें होगा भाई बहन का, उसमें देखेगी कि भाई बहन में आपस में कितनी बॉन्डिंग है, क्या रिश्ता है उनका, वो हम कंपटीशन रखने वाले हैं, डांस कंपटीशन भी होएगा हमारा, और ऑन द सपोर्ट भी हमारे बहुत सारे ऐसे मतलब सरप्राइज़ है जो लोग देख के हैरान रह जाएंगे कि हाँ अभी ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, लेकिन बताएंगे नहीं अभी हम इसके। तो बताना तो पड़ेगा तभी तो लोग आएंगे। नहीं मैं बता रही हूँ ना, वैसे आप आए और मैं इसको देखें, इंजॉय करें, आपको पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि सब सरप्राइज रखे हुए हैं। सरप्राइज आप बता दो। जब सरप्राइज ही बता देंगे तो सरप्राइज क्या रहेगा सर? किस तरह की वैसे एक्टिविटी की अगर बात करें वहाँ पे क्या क्या रहने वाला है? जैसे महिलाएं हैं, बच्चे, पुरुष भी आएंगे इसमें? जी हाँ जी बिल्कुल, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब आएंगे क्योंकि रक्षाबंधन का प्रोग्राम है, तो अगर हस्बैंड नहीं आएंगे तो फिर भाई कहाँ से आएंगे, फिर उन्हें तो आना ही पड़ेगा ना। और रही सरप्राइज की बात, तो देखो वो तो सब कुछ सरप्राइज होता ही है, लेकिन इसके अंदर फिर भी डांस कॉम्पिटिशन्स है, क्वेश्चनिंग राउंड होंगे हमारे, सोलो परफॉर्मेंस भी है, कपल डांसेस भी है, मतलब बहुत सारे कुछ एक्टिविटीज़ लेके आए हैं, बच्चों के लिए गेम्स भी रखे हैं हमने। अब भाई यूँ नहीं है कि बच्चे आके बोर होंगे, बच्चे भी फुल इन्जॉय करेंगे इसके अंदर। तो आपको लगता है कि जैसे तीज का प्रोग्राम हो गया, तीज के उसको छोड़कर आप लोगों ने रक्षाबंधन के ऊपर कार्यक्रम करने का आयोजन लिया, लोग इंटरेस्ट लेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल लेंगे, और अभी से ले भी रहे हैं, हमें तो फीडबैक, अभी हमारा प्रोग्राम अभी 5 डेज रहते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत सुपर डुपर जाने वाला है। तो अगर इसमें मुख्य अतिथि की बात करें, कौन आ रहे हैं, जैसे चीफ गेस्ट की बात करें, कोई ऐसी सेलिब्रिटी भी पहुंचने वाले हैं या जो लोग हैं महिलाएं हिसार के लोगों को झुमाने वाले हैं, जो हिसार के लोगों को मनोरंजन करने वाले? नहीं, मुख्य अतिथि हैं जो हमारे वो दिल्ली से आ रहे हैं, संगीता मित्तल जी,
और चीफ जजेस है हमारे हिसार से हैं, हिमानी बंसल है, सीमा बंसल है और सौम्या शर्मा जी हैं। अच्छा, हाँ, तो जजमेंट क्या काम करेंगे, डांस वालों को देखेंगे या और कल एक्टिविटी होगी उनको देखेंगे? जजमेंट का यही है, देखो जो हमने भाई बहन का मेन वो लिया है उसके अंदर कॉम्पिटिशन्स रखवा रहे हैं हम उनके, तो उनके देखो सब अपने में अच्छा करते हैं। कॉम्पिटिशन में क्या होगा, जैसे भाई बहन वहाँ पे आ गए, कॉम्पिटिशन क्या होगा? प्राइज तो आप मत बताना जो आप प्राइज देने वाले हो, लेकिन कॉम्पिटिशन तो बता ही सकते हो ना, प्रिपेयर होकर आए या एट ए टाइम कहोगे कि आपको ये करके दिखा? नहीं, भाई बहन में एक्चुअली हमने पहले से एंट्री ली है, देखो उस टाइम पॉसिबल नहीं होता, हमने पहले से एंट्री ली है, हमारे पास फुल एंट्री हो चुकी है कि कौन कौन हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा, फिर भी उसके अंदर डांस मस्ती इंजॉय गेम सब कुछ वहाँ पे जो हमारे जज होंगे और होंगे जो भी चाहेंगे उनसे जो भी एट ए टाइम करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। तो आप लोगों के ऊपर चुनौती बहुत है, क्यों पिछला प्रोग्राम महिलाओं के बहुत सारे अलग अलग जगह थे, काफ़ी संख्या में महिलाएँ थे, आपने अलग से करने की कोशिश की और सभी महिलाओं के साथ आप मिल के आए होंगे, सबको आमंत्रित आप लोगों ने किया हुआ, तो क्या धमाल मचेगा वहाँ पे? धमाल तो बस इतना मचेगा कि शायद अभी तक किसी प्रोग्राम में भी नहीं मचा होगा। अच्छा, फुल ऑन धमाल होने वाला है, मतलब सबके मुँह से यही सुनने को मिलेगा कि सुपर प्रोग्राम था। तो टाइमिंग की अगर बात करें, किस तरह की टाइमिंग्स हैं और किस तरह से एंट्री होने वाली है? एंट्री हमने बिल्कुल फ्री रखी है, कोई भी आ सकता है, लेकिन फैमिली और कपल्स और उसके अंदर टाइमिंग रहेगा हमारा 3 to 7। तो मौसम का कोई गड़बड़ तो नहीं होने वो तो श्याम बाबा को ही पता है कि मौसम क्या रहेगा, बाकी श्याम बाबा भगत हैं। हाँ जी, श्याम बाबा की कृपा बनी रहेगी। मैडम आप बताइए कि जैसे संस्था से जुड़े हैं तो जुड़ने के बाद कैसा लगता है कि एक समाज से संस्था से जुड़कर समाज के काम करते हैं? समाज का काम करने के लिए एक अंदर मन के बहुत तसल्ली होती है, इन संस्था के साथ जुड़े बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या है कि अपने मन से जैसे कोई गरीब है, कोई मददगार है, उनकी मदद करके हमें भी बड़ा सुकून मिलता है अंदर से, और बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा ग्रुप है, इसलिए हम इस बार सोच रहे हैं कि कुछ अलग ही करें, कुछ करें कुछ अलग से। क्या इन्होंने तो नहीं बताया, आप बताओगे कुछ कि कुछ अलग से? देखो आजकल क्या है कि भाई बहन का एक रिश्ता बड़ा कायम रिश्ता है, ये बहुत नाजुक तौर पे हो रहा है आजकल। क्या है कि पहले बड़ा इस रिश्ते को बड़े बनाया जाता था अच्छे तरीके से, पर आजकल क्या देखते जाए जनरेशन फॉर्मेलिटीज़ देखते जाए, बच्चे बाहर पढ़ने लगे, वो रिश्ते सब भूलते जा रहे हैं। आजकल इन रिश्तों को कायम करने के लिए हम सब ने यही सोचा है कि एक हम ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें भाई बहन के रिश्ते को आगे लाएं, क्योंकि 30 के प्रोग्राम काफ़ी हुए हैं पीछे, उसमें क्या है सिर्फ लेडीज़ का प्रोग्राम था, काफ़ी वो महिलाओं का ही था, काफ़ी नहीं था, पर भाई और बहन का प्रोग्राम करना भी बहुत ज़रूरी है, ये हमारी एक संस्कृति का आगे लाने का एक बढ़ावा है, एक आगे लाना चाहते हैं। आपको लगता है कि जैसे इस तरह के कार्यक्रम करेंगे तो पुरानी संस्कृति फिर जीवित होगी? नहीं, होएगी, बिल्कुल होएगी। हम अपने बच्चों को संस्कार संस्कृति खुद बताएंगे जब भी वो आगे आएंगे, हम अपने बच्चों को कुछ बताएंगे नहीं ऐसे संस्कार संस्कृति के बारे में नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा, उनको नहीं पता चलेगा। तो ये हमारा फर्ज है, पेरेंट्स का फर्ज है कि बच्चों को बताएं आगे भी हमारी भारतीय संस्कृति में क्या क्या है क्या नहीं है। तो आपको जो देख रहे हैं उनको किस तरह से आमंत्रित करेंगे, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं जरूर कहूंगी आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, हमारा प्रोग्राम देखें, क्योंकि ये फर्स्ट इवेंट हिसार के अंदर हो रहा है रक्षाबंधन का, इससे पहले कभी नहीं हुआ, आए और आके देखें, खूब मस्ती धमाल खूब हो रहा है।